आप वोट के कितने दे रहे हैं पिलाज जी? बताएं पूरा गांव 100% पिलाज जी। एक बार ईमानदारी से बता दो, गांव के बारे खड़े होगा तो क्यों को माहौल लग रहा होगा आपको? प्रहलाद गुंजल पिलाज मां गांव को ही तो से जो जाना था मां मदन डिलोर को वोट नेता जी की वजह से दे रहे भाई इनके ग्रुप के आदमी। कुछ भी काम पड़ जाए तो हम उन्हीं के फोन करते हैं। हम डेली आओ जाते हैं रात बरात में, कभी भी अगर कोई हारी बीमारी हो जाओ अगर रात में भी जा रहा फोन कर देना तो तुरंत तैयार रह जाए। कितना काम करा रखा उन्होंने? बहुत काम करा रखा, किसी को कहीं भी जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल से लेके फोन कर दे काका जी ऐसी दिक्कत होगी। गांव को माँ का यहाँ को पैदा माने बच्चा बच्चा और माँ जाने से रोज बांध रहे यहाँ आ जाओ जो बच्चा मैं के भाई जरूरी काम पड़ जाए। कोटा बूंदी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल जी के बारे में बात करें तो अभी हम कोटा बूंदी लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में उनका ग्रामीण क्षेत्र आता है, यानी कि जो उनका गाँव है नाम है उसका धर्मपुरा। धर्मपुरा में हम पहुँचे हैं, उनके गाँव के जो लोग हैं जो जनता है जो उनका क्या कुछ कहना है, वो इस बार किस मुद्दे पर किस नेता को वोट दे रहे हैं, गांव में कितना एक तरह से एक्साइटमेंट है, कितने वो खुश है गांव वाले कि उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति पहली बार जो है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना और गांव की क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ लोग जो है यहाँ के नेताओं के बारे में कहना चाहते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। अंकल जी का नाम था आप चंद यहाँ से थे गाँव से? हाँ तो यह बताओ सबसे पहला तो यहाँ का स्थानीय मुद्दा का ही यहाँ तो सब बढ़िया सब बढ़िया से। हाँ गुंजल साहब से बातचीत होती है रोज रोज आओ जो आवाज नहीं आवाज यहां डेली आओ जो माता जी ने। अच्छा तो गुंजल साहब ई गांव से बिलोंग करे छे? हां है ना, ई गांव से छे। तो आपका कितना गुस्सा का आपका गांव को कोई व्यक्ति कोटा बूंदी से प्रत्याशी बने छे? बहुत अच्छी खुशी है इस बात की, बहुत बढ़िया है। और गांव में स्कूल है बाहरी तक, डिस्पेंसरी है, रोड है, लाइट है, सब बहुत बढ़िया है। अच्छा ई गांव को जो बिजनेस से बिजनेस वो काई छे मेन? मैं दूध का धंधा है। दूध का धंधा है तो दूध बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोटा। कोटा कितने दूर पड़ता होगा यहाँ से? यहाँ से 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर यानी कि लगभग 10-15 मिनट का रास्ता पड़ता है। हाँ। अच्छा जैसा बात करा इस बार आप वोट के कितने दे रहे हैं? प्रहलाद जी बताएं और एक पहला के कितना दे हो जाए? एक पहला तो बिरला जी बताएं एक पहला मतलब बीजेपी में दे हो जाए? बीजेपी में दे हो जाए। और अभी बार इस बार प्रहलाद जी दे? तो मतलब प्रहलाद जी गुंजल आपका गाँव से बिलोंग से इसलिए? नहीं आदमी बढ़िया जी, आदमी बढ़िया जी, सबकी समस्या समझ मतलब समझता है दुख दर्द को। ये गांव में क्या क्या काम कराया प्रहलाद जी ने? सीसी रोड करवाया, स्कूल बनवाया बाहरी तक, डिस्पेंसरी है और कुरंज है सारे पूरे गलियों में। अच्छा, थोड़ी बहुत यहाँ पर कृषि वृषि भी हो जाएगा? कृषि होती है ना, खेती है, काई की हो जाए गेहूं धान सोयाबीन मक्का जैसा बात करा तो आप गाँव में रेगुलर रहो जाए ना यहाँ पर, तो गाँव की क्या स्थिति, कितना परसेंट वोट ही बाढ़ जो है प्रहलाद जी जाओगा? मतलब पूरे 100% ही जाएंगे। 100% जाओगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। काका जी का नाम से आपने? रामकरण। रामकरण जी। अच्छा काका जी बताओ ये बार कितना वोट दे रहे हैं प्रहलाद जी? दा पूरा गांव कितना दे रहे? पूरा गांव 100% प्रहलाद जी। जैसा सपोज करो ये जो एरियो छे ये एरियो आउ छे रामगंज मंडी में, ठीक छे? तो रामगंज मंडी में जो बार विधायक साहब छे जो मंत्री भी छे वो छे बीजेपी का, तो वहाँ से कोई नाराजगी है आपकी या फिर कोई दिक्कत होना? कोई नाराजगी कोई ना, हमारे वोट गांव वाला ने खींचता दिया जाए आपको, पहले बीजेपी में दिया जाए कांग्रेस में दिया जाए आपको, फुल गांव कांग्रेस में जाओ। मतलब प्रहलाद जी का कैंडिडेट होने वाला गांव में बढ़िया उत्साह है? बढ़िया पूरा गांव में उत्साह है, मैं गांव को कैंडिडेट। अच्छा तो कितना परसेंट वोट आओगे इस बार गाँव में? पूरा 100% पड़ेगा। यहाँ पर एक मंदिर बना रहा है कुछ माता जी को, बहुत बढ़िया, मैं अभी दर्शन कर गए जा देवनारायण को बन रही है, माता जी को बन रही है, राम मंदिर से चार बुजा नाथ को हनुमान जी को जो सब बने। प्रहलाद जी ने क्या क्या काम कराया गाँव? प्रहलाद जी ने एक तो कोटा सूट रोड लाया यहाँ, वहाँ की देन से जो गांव रोड सुधड़े, स्कूल से बारहवीं था और आप पानी की दो टंकियाँ लागू। आपका गांव से प्रहलाद जी थे और अबार प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी से, कितना मतलब अच्छा लाग रहा यार अपना गाँव को, गाँव को नाम रोशन होगो, इंडिया में नाम जाओगो, सभी से बार नाम और कहें। अच्छा मतलब आप की वजह से मतलब प्रहलाद जी सपोर्ट कर रहे थे गांव का से इसलिए या फिर आप या फिर आपका गुजर समाज से ही चाहिए या फिर जमीन से जुड़े नेता जी हर गरीब को काम करवाओ से बाकी यही काशिश से। बिरला जी के बारे में कहीं क्या आप? बिरला जी तो दिल्ली जा बेटा जो फंस जाए गाँव कभी आया ना यहाँ पर एक दो बार आया होगा तो कोई पेंशन बने तो कोई आएगा। अच्छा अच्छा तो यह बताओ बिरला जी में और गुंजल साहब में कई अंतर लागे आपको? अब तो खुद ही दिख रही तो अंतर तो आप बताओ ना। मान तो था गाँव में घूम रहे थे को प्रचार ज्यादा चाह रहे थे को ज्यादा मतलब ना बताओगा कुल मिलाकर। ठीक है काका जी राम राम। राम राम काई बार काई की को माहौल चाहिए बार नेताजी वो जी गुंजल साहब। गुंजल साहब को आपको वोट गुंजल साहब के देते हैं? वहाँ पे जाओ। अच्छा गांव में कोई ऐसी बात हो जो मतलब गुंजल साहब के सामने लोगों ने रखी हो लेकिन अब बढ़ते पूरी नहीं हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा काम हो?
खाए भी कौन दिक्कत है। जैसा बेसिक आवश्यकता हो जैसा स्कूल हो गया हो, स्वास्थ्य हो, कोई ना कोई मतलब छोटे मोटे कोई हॉस्पिटल हो गया हो, ये प्रकार की कोई कोई ऐसी बात जो मतलब प्रहलाद जी कर सके जा पर ना करी माने वो तो वही करते थे सब सुना है। गांव में रेगुलर आओ प्रहलाद जी, गांव का एक एक व्यक्ति था जाना थे को। हाँ सब जाएंगे, सब चाहे नाम से काम से घर भी जाएंगे सब जाएंगे डेली आओ जाओ। प्रहलाद जी के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो कोई नहीं जानता हो भाई। बढ़िया बात, कोई बात भैया क्या नाम है अपना? गोपाल। गोपाल जी यह बताओ कई खेप प्रहलाद जी के बारे में। प्रहलाद जी के लिए तो बड़े है, बड़े आदमी है, इसलिए तो प्रहलाद जी को जाएगा हमारा वोट भी। आपको जानते हो अच्छी तरह? बढ़िया। नाम से भी और काम नाम से और घर से जानते हो कि क्या नाम है क्या काम? अच्छा सच सच बताना इस गांव से कितना प्रतिशत वोट है ना जो प्रहलाद जी को जाएगा इस बार? 100% ही जाना चाहिए। अच्छा जैसे अभी वो कांग्रेस के प्रत्याशी बने लेकिन ये क्षेत्र आता है उसमें रामगंज मंडी में, और रामगंज मंडी से जो अभी विधायक है वो बीजेपी के, ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इस गाँव में कितने परसेंट वोट बीजेपी को मिले थे, कितने परसेंट कांग्रेस को मिले थे बताओ आप? यहाँ से 60% मिले थे बीजेपी को और 40% कांग्रेस। और इस बार क्या स्थिति होगी लोकसभा में? इस बार तो 100% ही कांग्रेस में जाएंगे। कोई ऐसा एक दो परिवार या 101 कुछ नहीं, कुछ नहीं। गिनती के लोग तो होंगे जो उनसे नाराज होंगे नहीं, या कोई नहीं। प्रहलाद जी से नाराज होने का कोई काम ही नहीं है सारे ही। हाँ वो प्रहलाद जी क्या है कोई परेशानी होती पहले सोल्व कर देते हैं। प्रहलाद जी गाँव में आते रहते हैं? आते रहते हैं, एक दो दिन छोड़ के आ जाते हैं। आ जाते हैं मतलब लोगों से मिलने आते हैं, मंदिर के दर्शन, मंदिर के दर्शन भी करने आते हैं, रास्ते में मिलते हैं तो रुक के बात भी करते हैं, हाल चाल पूछते हैं और बस। अच्छा अंकल जी यहाँ पर एक स्कूल चला जा प्रहलाद जी को मंदिर के अंदर माना देखा बच्चा वगैरह वहाँ पढ़ जा वो का बारे में बताओ थोड़ा सा। बढ़िया पढ़ाया स्कूल जो की टाइप का संस्कृति के लिए बच्चा पढ़वा के लिए स्कूल लगाए हुआ। कहाँ कहाँ से आओ जो बच्चा पढ़वा? MP से भी आओ है, राजस्थान से भी है, बाहर के बच्चे हैं तो वो बच्चा आओ और यहाँ पर खुश से खुश से बढ़िया वहाँ के लिए पूरी सुविधा जी। गाँव वाला कितनी मदद कर? खूब मदद कर, दूध दही दाही जो भी छावे जन मतलब खावा भी बाकी कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत कोनो डर का। अच्छा प्रहलाद जी के बारे में कोई ऐसी बात बताओ प्रहलाद जी के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो गाँव वाला सबसे बढ़िया लगता है? प्रहलाद जी गाँव को माँ का यहाँ को पैदा माने बच्चा बच्चा माँ जान से रोज बांधे यहाँ हार जाओ जो बच्चा मैं के भाई जूर जी कहाँ पड़ी जाओ भाई नेताजी यहाँ का बड़ा रोज बांधे डेली यहाँ गाँव में आओ अप डाउन कर जो और अच्छी तरह से मेन बिजनेस तो दूध ही है। हाँ दूध ही, दूध जेब कोटा जार बेचने पड़ता है, कोटा ही बेचते हैं। आपको कितने गाय पोसे जाए? 6-5 खोजे कितने लीटर दूध जाओ जा? हो जाओ 70-80 लीटर। तो फिर डेली गांव कोटा जाने पड़े भेजवा या फिर डेयरी वेरी जमा? नहीं डेयरी को घर पर भी दूध दे रहा हूँ। अच्छा बताओ जैसा बात करा अपन चुनाव की तो एक तरफ तो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी और एक तरफ से हाड़ौती का शेर कहा जा वाला प्रहलाद गुंजल जी, दोनों मंत्र बताओ आप। दोनों मंत्र गुंजल शेर तो शेर ऐसी बात बिरला जी जगह सही है बिरला जी कौन बाकी शेर तो शेर के जी ने सही बताना दिल से हाथ रख के। हाँ। उनके काम से आप खुश हो नहीं हो? नहीं कर काम के सर ले खुशी यहाँ सी बात को ना बिरला जी माँ को तो मेन माँ को ही आदमी है, माँ को मतलब बच्चों है, माँ को परिवार का भाई है या बंदे माँ को तुम पहली बिरला जी आपका घर का व्यक्ति इसलिए आपके पहली वो है बिरला जी ठीक है सी बात को ना बाकी अपन पहले आदमी माँ को घर को आदमी बोल दो दोनों में कोई अंतर बता सको आप? नहीं कोई अंतर को ना बराबर से। अच्छा नेता जी अंकल जी राम 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 बोल या बताओ कि ये बार ईमानदार से बता जो गांव के बारे खड़े होगा तो क्यों को माहौल लाग रहे होगा आपको? प्रहलाद गुंजल झूठ बोल रहा है सच बोल? बिल्कुल सही प्रहलाद गुंजल जीतेगा मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे। अच्छा रामगंज मंडी की बात करा अपने क्षेत्र की कितनी लीड में लगी यहाँ से भाई किसको? गुंजल साहब बहुत कितनी कितनी भी अगर आपको यहाँ से विधानसभा चुनाव हुआ तो दिलावर साहब जो बीजेपी का कैंडिडेट था वहीं लगभग 25,000 से जीत मिली थी तो कई जी वो 25,000 की लीड कवर कर लगा बिरला जी नहीं गुंजल साहब की जो लीड से वह जो हार हुई थी बार बीजेपी वाला कांग्रेस वाला की तो वो कवर कर सके जगह? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते जीत पक्की है। अच्छा बताओ प्रहलाद जी का बारे में और बिरला जी के बारे में क्या जानो साहब? मैम हम पैदाइश ही गुंडे हम सब जानते हैं मैं तो यार पूरा सिटी का मालिक मेरा भाई है। कौन है भाई आपका? ओम बिरला मेरा भाई प्रहलाद गुंजल मेरा भाई दोनों भाई। हाँ दोनों भाई। दोनों भाइयों में कौन से भाई को जिताओगे आप? हम कांग्रेस को ठोक के इसके पहले किसको वोट देते थे? इसके पहले बीजेपी में देते हम तो मतलब आपके गांव के कैंडिडेट है और आप भी गुजर हो ना आप भी? हाँ गुजर हैं तो इसी वजह से मतलब हाँ बिल्कुल समाज और परिवार पूरी जनता देगी प्रहलाद गुंजल। अच्छा गांव की बात करें आपका गांव की धर्मपुरा की और पास में बंदो भी सभी जब वो पूरा गोजू कितना परसेंट वोट आओगा किसका?
अब ये तो पूरा गांव ठोक कर देगा, कांगड़ा का वो कहीं है 10%, 20%, 100%, 50%। अरे 100% बिल्कुल ठोक उसके देंगे हम कांग्रेस। दो पांच परिवार तो सब गए जो नाराज हो गए वहाँ पहला। नहीं नहीं काहे को नाराज है, मुझसे कोई कोई काम पहली बार मौका मिला है नाराज कहीं का, छोटी मोटी नाराजगी कोई नाराजगी नहीं, पहली बार मौका मिला है मतलब बढ़ने का, कहीं का नाराज है। खुशी से आपको बहुत भयंकर कितनी बहुत भयंकर बहुत भयंकर कितनी भयंकर बहुत भयंकर। अच्छा बताओ कत्ता मेंबर थे घर में किसके? आधा रंगवाड़ी में रहते आधे बैठा थे, एक लो यहाँ सबका सब बोर्ड खेलता देगा बिल्कुल कांग्रेस को प्रहलाद गुंज को ठोक गए, मतलब ठान ली गए जिताड़ो। हाँ बिल्कुल जिताड़ो क्या, जीत गया जीताड़ का जीत गए। कितने वोट से जीत गए वो? अब जितना भी जीत, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। भैया क्या नाम है बड़ा? नेवा लाल जी, क्या हाल चाल? ये बताओ वोट दोगे ना आप? इसके पहले कितने वोट दिए आपने? 5-6 बार दे दी। 5-6 बार दे दी। किसको दिए थे 5-6 बार? बीजेपी में दिए। अब इस बार क्या है मानसिकता? प्रहलाद जी को, मतलब प्रहलाद जी को, मतलब आप ऊपर के मन से बोल रहे हो या फिर डर के? हमारे गांव के और हमारे गांव में सब कुछ अच्छा है, कार्यकर्ता मतलब नेताजी के हम हर काम में काम करते हैं। जानते हैं आपको? बढ़िया, नाम से जानते हैं। अच्छा जैसे कितने मेंबर है घर में? हम वोट वाले हैं 7-8 मेंबर है। तो सबके सब किसको वोट देंगे? प्रहलाद जी को देंगे, मतलब पूरा गाँव एक तरफा एक तरह से। यानी कि जो गुंजल साहब का एक गांव है, तो आप ये बताओ कि गांव में उनके होने से मतलब अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता बिल्कुल। वो शाम को यहाँ आते हैं तो फोन करते हैं, सभी उधर ही जाते हैं उनके पास, तो मिलते रहते हैं गांव के लोगों से, सबको नाम से जानते हैं आपको, गांव के लोगों को। ये भाई ये मेरा छत्ता उजगा, ये इसको डकैत के नाम से बोलते हैं, बड़े वाले भैया नेताजी के लिए रात। तो यहाँ गांव की कोई ऐसी आवश्यकता होगी जो उन्होंने कराई, मतलब क्या क्या आवश्यकता वाली चीजें यहाँ पे गांव में? किसी आदमी कितना काम करा रखा उन्होंने? बहुत काम करा रहा है, किसी को कहीं भी जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल से लेके फोन कर दे, काका जी ऐसी दिक्कत होगी तो एडवांस अपना जाते हैं। आप लोग प्रहलाद जी को काका जी के नाम से बोलते हो? अच्छा कोई ऐसी बात बताओ जो मतलब कोई नहीं जानता हो, ये बताओ आप इस गाँव की, मतलब कोई ऐसी बात जो मतलब इस कोई ऐसी बात गुंजल साहब के लिए जो मतलब कोई नहीं जानता हो उनके बारे में? अच्छा क्या बुराई सब अच्छा ही अच्छा ही है, किसी कोई भी नहीं कह सकता भाई बुराई है उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं भी उलझ जाए कर जाए, कहीं रात में किसी भी टाइम कोई भी गांव का व्यक्ति तो मतलब वो फोन करते ही आधी रात को फोन करो हाजिर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, तो जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुंजल साहब और बिल्ला साहब दोनों बीजेपी से बिलोंग करते हैं, अब गुंजल साहब थोड़ा सा कांग्रेस में आ गए, तो क्या लगता है कितनी फाइट होगी इस बार चुनाव में? टक्कर बराबर उड़ेगी दोनों तरफ, बराबर कौन जीतेगा? प्रहलाद जी जीतेंगे। कहाँ कहाँ से प्रहलाद जी को मतलब आठ विधानसभा आती है, हाँ। तो आठ में से कहाँ कहाँ पर प्रहलाद जी को जीत मिलेगी और कहाँ कहाँ पर फाइट रह सकती है? गाँव में तो हर जगह प्रहलाद जी जीतेंगे, छोटा सिटी में थोड़ा बराबर लगेगा टक्कर, गाँव में तो ठोक के उनका ही है चांस। और शहर में? शहर में बराबर हो सकती है, शहर में बराबर रहेगा, गाँव से मेहनत चल रही है। अच्छा तो ये ग्रामीण क्षेत्र के कई सारे लोग हैं जिनसे हमने बात करी है, जिन्होंने प्रहलाद जी के बारे में अलग अलग बातें बताई है, ठीक है, बिरला जी के बारे में बताइए, गांव की आवश्यकताओं के बारे में बताइए, लेकिन अंकल जी जब बताओ आप गुंजल साहब का बारे में कैसी बात बताओ जो आप बता बताओ जो लोगों ने पता नहीं होगा, जो गाँव के बाहर का होगा वही कह जाए। अब देखो वो तो कहीं रात बरात में कभी भी अगर कोई हारी बीमारी हो जाओ, अगर रात में भी जा रहा फोन कर देना तो तुरंत तैयार रह जाए, काम होगा, मतलब काम हो, कोई सांप से लटका जाओ यहाँ रात में कोई दुआया वाया करवा जाओ जाए तो कोई नहीं कहते ना आज हूँ चोरा सांप से लटका गयो तो वहाँ सफा का नाम आ गई मला जाए। ये गांव में कितना वोट होगा? ये गांव में 450 बीजेपी का। तो जैसा अबार जैसा विधानसभा चुनाव हुई यहाँ पर जो अबार कैंडिडेट से रामगंज मंडी में वो बीजेपी का, बीजेपी का तो कई वहाँ से नाराजगी से गई किस है कब खुश से वहाँ से भी मदन दिलावर जी से वहाँ से तो खुश से लेकिन इस बार पर ये बार तो प्रहलाद जी दूंगा वो घर को मामला गया। हाँ गाँव को आ गया और वो तो फिर नेता ही अलग है सबसे छोटी सी बीमारी हो जाओ है तो पड़ोसी में कोई नहीं खेर देख लीजिए कि हमारे आओगे तो खड़ रह जाओ पर वो इतना बड़ा नेता वो भी कहीं भी कोई कीड़ो काटो भी खाड़गा हो जाए ना तो अगर रात में फोन जाता है पहले तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता है या फिर वहाँ तैयार हो जाए कहीं चीज हुई उनको कहीं ना हो इमरजेंसी में खड़ा रहो। हाँ तुरंत मतलब यहाँ ही ना कुछ भी भाई कहाँ भी कर दो फोन तुरंत वहीं खड़ा रहो। गाँव भैया भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम लेखराज है। यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं। क्या करते हो? यही पशुपालक का काम। कितने मेंबर है घर में? दो हम तो 3-4 मेंबर है, बच्चे छोटे हैं हम दोनों। इस बार किसको जा रहा है वोट सबका? जो गुंजल साहब को देंगे। गुंजल साहब क्यों दे रहे हो भाई उनको?
वो तो हमारे गांव का जो उसी को देंगे ना वोट, मतलब गांव के होने की वजह से आप उनको दे रहे हो? नहीं, उन्हीं को देते आ रहे हैं और उसी को ही देंगे हम। यानी कि वो किसी भी पार्टी में रहे लेकिन देना उनको, देना उनको, हम उनके चेहरे पे वोट देते हैं। वो हमारे गांव का है, हम उसी को ही वोट देंगे। गुंडल साहब के बारे में क्या कहना चाहते हो? अच्छा इंसान है, वोट के क्या है, जानते हैं आप? जानते हैं, नाम से जानते हैं? नाम से जानते हैं या फिर दूसरे नाम से भी जानते हैं? नहीं, कोई सा भी नाम हो, हमारे पिताजी के नाम से जान जाते हैं। अच्छा, जानते हैं वो तो, हमारे पैदाइशी यहाँ से ही है। कुछ भी काम पड़ जाता हम उन्हीं के फोन करते हैं, हम दूसरे को थोड़ी फोन करते हैं। मिल्ला जी को जानते हो? नहीं, अब देखा नहीं हमने। नाम तो सुना होगा। नाम सुना बल्कि देखा नहीं है भाई के, यहाँ उसके नजदीक जाके नहीं देखा भाई के। बिरला जी ये है, क्या 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 सुना उनके बारे में आपने अभी तक? किन के? बिरला जी के बारे में क्या सुना भाई? सुनने में तो जनता है, कुछ भी कोई किसके बारे में क्या बोलती है, किसके बारे में क्या बोलती है नहीं। बिरला जी नहीं, वो तो इतनी मेरे को जानकारी नहीं है भाई। आप बताओ ना यार, दोनों नेताओं के बारे में क्या जानते हैं आप? भाई पहला जी बारे में तो सब कुछ जानते हैं। पहला जी तो आपके गांव से, तो आपको पता होगा, आप मिले भी होंगे, देखे होंगे, कार्यक्रमों में आते भी होंगे, उठना बैठना। फोन के अलावा, लेकिन बिरला जी के बारे में फोन के अलावा कभी नहीं देखा उनको। टीवी में तो देखा होगा ना? हाँ, बस ऐसे देखा। क्या देखा उनके बारे में, क्या है वो? देखते वो बोलते हैं हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कभी गाँव में आके देखा गया उसने? मतलब एक जिस नेता का जो गाँव होता है, उस गाँव के अनुसार आप अपने नेता के काम से संतुष्ट हो क्या? बिल्कुल, इतना संतुष्ट हो? बहुत खुश है उससे। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है। रोड लाइटें लग रही, हमने परेशानी नहीं देखी अभी तक। मतलब उनकी वजह से तो रोडों पे लाइटें लग रही नहीं, ऐसे गांव में किसी में लाइट नहीं थी। कभी कभी गांव पे कोई दुविधा आ गई हो तो नेताजी चल रही है, मार दो, खड़े रहते हैं। कभी कभी गांव में कोई दुविधा आ जाए इमरजेंसी में तो नेताजी खड़े रहते हैं। बिल्कुल 24 घंटे खड़े मिलेंगे, कभी भी किसी टाइम फोन कर दो। हमारे पापा काम पड़ा, नेताजी का घर यहाँ पर है क्या आपके? है ना, वो पास में हमारे पीछे ही। अच्छा, आपके पीछे ही, यानी कि आप उनके पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। कितने मेंबर है परिवार में? हमारे में 10-15 मेंबर है। तो सबका वोट एक साथ? एक साथ। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो विधानसभा लगती है वो है रामगंज मंडी, ठीक है ना? और रामगंज मंडी में जो अभी एमएलए हैं वो है बीजेपी के। तो क्या लगता है गुंजल साहब के आने से, गुंजल साहब के आने से अभी एमएलए जो जीते थे लगभग 25,000 से जीते थे, तो क्या वो 25,000 का जो मार्जिन था वो कवर होगा क्या इस बार? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा इस बार तो जीतने का, जीतने का। अच्छा, और वो मतलब निलौर को वोट नेताजी की वजह से दे रहे भाई, उनके ग्रुप के आदमी उन्होंने कहा होगा कि भाई इसलिए। हां, अच्छा भाई, वो बीजेपी में तो मेला जी का वोट भी शायद इसी क्षेत्र में लगता था, मैंने सुना है। सबसे पहले आके वोट देके जाते, उन्होंने भी मदन दिलावर जी का वोट दिया था। अच्छा काका जी, राम राम, खड़ी चालिया, खड़ी चालिया, फोन ही आई यूं तो नहीं सता तो खड़ रहा था यार, सुम सुम में निकल रहा था एकदम। हां, सुम सुम में मुझे दूध दूध खा लियो का? ओ खा लियो। कत्ते गायो खा लियो, कत्ते पैसा को? 50 को। कितना टाइम लाग जाओ? लाग जाओ 2-3 घंटा। तो कितनी बजे खाड़ो शुरू करे जाओ? 3 या 4? 3-4 बजे। 3 बजे ना मर जाओ कार्यक्रम? हां, न मर जाओ जो 6-7 बज जाता है। अच्छा अच्छा, तो फिर कितने किलो दूध हो जाओ घर में? वही जाओ जो 100 किलो। तो 100 बस? हाँ। और यो कहाँ बेचे थे, गांव में या फिर बाहर शहर में? कोटा? नहीं नहीं, कोटा हुए आओ से ले वाला। अच्छा, ले वाला आओ से करने? हाँ। और आप दे बन जाओ? है ना जाओ। अच्छा, यानी कि बढ़िया सीन चाल रहा है। हाँ, बढ़िया सा। और भूसा वूसा की व्यवस्था गांव में ही सब बढ़िया ना? मतलब ट्रोली पटका हो जाए, रोजीना लानी पड़े? ट्रोली पटका हो जाए। अच्छा, कितना दिन चाल जाओ ट्रोली? अब चाल जाओ जो पांगा का हुमी ना डेढ़ में। अच्छा, अभी आप बताओ काम की बात करा जाए। आप पिलाज जी जाना से ना? हाँ। कौन से पिलाज जी? अच्छे ना पिलाज जी से, पिलाज जानो से ना पिलाज से। हाँ, कौन से पिलाज जी? पिलाज माँ गांव को ही तो से जो जाना था माँ। अबार वो कांग्रेस का कैंडिडेट बन गया लोकसभा का। अच्छा, तो वोट की कितना दे रहा जाए? माँ कितना दे रहा है? बिल्ला जी कितना दे रहा है? नेताजी देगा माँ? नेताजी देगा। हाँ, पहलाद गुंजल दगा किला है पूरा परिवार सहित? नहीं, पूरा परिवार ही दंगा मा। तो आपको घर गुंजल साहब का घर कितना आगा पाचे जा? थोड़ा बहुत ही आगे। कोई ना मगा सामने सामने जे मका, मतलब मोल लगाए जा? हां, मोल लगाए। अच्छा बताओ पहलाद जी के बारे में काई के बुझा रहे जा? काई भी नहीं के बुझा रहे मा, तो बढ़िया जी, ठीक से, ठीक से, या फिर मस्त जे? मस्त जे मा। तो कभी कभी काम पड़े मा से? काम तो न पड़े भाई। कभी कभी ब्याह हुआ मैं बुलायो ना? नहीं नहीं, यूं तो बुलाओ जो सब बुलाओ चलाओ जे रावो ना। फिर आओ जा ना? नहीं आओ जाओ, बुलाओ जे प्रोग्राम में तो गुंजल साहब आओ जे समय काट के। हां आओ जे ना गुंजल साहब। तो बढ़िया चालू जे ना दूध को काम? बढ़िया बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो और भी कोई बोलना चाहता है कुछ ना कुछ, कोई रह गया हो तो बताओ। ठीक है ठीक है, तो ये है कोटा बूंदी से कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में लोकसभा के कैंडिडेट है पहलाद जी गुंजल, उनका गांव
और उनके गांव में कई सारे लोगों से हमने बातचीत करी, उन्होंने अपने अपने राइट दिए और लगभग ये सीन निकल के आ रहा है कि गांव जो है वैसे तो बीजेपी का है, अधिकतर यहां पर जो 50-50% वोट देते हैं नॉर्मल टाइम पर वो बीजेपी को देते हैं, लेकिन इस बार गाँव में लोगों ने ये मतलब थोड़ा सा डिसाइड कर लिया कि इस बार एक तरफा वो जो है गुंजल साहब को वोट देंगे, क्योंकि गांव के होने की वजह से उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो गांव के व्यक्ति को, गांव के परिवार के व्यक्ति को ही जिताना चाह रहे हैं। एक तरह से बीजेपी का जो गढ़ था ये गांव, इस बार वो कांग्रेस को यानी कि प्रहलाद गुंजल जी के चेहरे पर वोट देने के लिए जा रहा है। तो हमने लोकसभा की लगभग सारी विधानसभा सीटों की जनता का मूड जानकर आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको वैसे रेस्पॉन्स पता लग गया होगा कि इस बार क्या कुछ है। और लगभग ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि इस बार टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त है और मुकाबला जो काफ़ी कड़ा होने वाला है, कोई भी जीते अंतर काफ़ी कम रह सकता है। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप किस नेता को, किस विषय पर, किस मुद्दे पर वोट देना चाह रहे हैं और आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके परिवार में कौन से नेता को आप जिता रहे हैं, किस नेता को जिता रहे हैं। कैमरामैन वैभव गुप्ता के साथ में विष्णु राठौर, राजस्थान जानकारी।